ओम शांति। एक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक सर्जन की उम्र 75 वर्ष की हो गई। वो एक ऐसा सर्जन था कि अपने जीवन काल में उसे बहुत बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। अब तक उसने जितनी भी शल्यक्रिया सर्जरी की थी वो सब के सब बहुत ही सफल रही थी। एक मास्टर सर्जन था। अब भी इस उम्र में भी वो कार्यरत था, जबकि रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष है, फिर भी वो अब भी कार्यरत था और उसे रखा गया था क्योंकि वो इतना निपुण, इतना दक्ष, इतना एक्सपर्ट था अपनी आर्ट में कि उसने कई सारे सर्जन्स को ट्रेनिंग भी दी थी और अब भी कार्यरत था। पर जब उसकी उम्र अब 75 वर्ष की हो गई, अब उसने सोचा कि मुझे अब सर्जरी से संन्यास लेना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए। तो उसने एक पार्टी रखी या उसके लिए रखी गई फेयरवेल पार्टी, जबकि उसने ये निर्णय किया कि अब मुझे कोई भी सर्जरी नहीं करनी है। और जब वो पार्टी चालू थी उस दिन, जहां सब और अलग अलग प्रकार की चीजें हो रही थी, कहीं नृत्य तो कहीं कुछ, वो एकांत में चुपचाप उदास बैठा हुआ था। तो एक मित्र उसके पास आता है और पूछता है, इतने तुम उदास क्यों? तो वो कहता है, मैं उदास इसलिए हूं कि मैं जीवन में जो बनना चाहता था वो बन नहीं पाया। वो मित्र पूछता है, क्या बनना चाहते थे? तुमने जो पाया है वो तो शायद ही संसार के किसी सर्जन ने पाया होगा। वो कहता है, मेरे माँ डॉक्टर थी, मेरे पिताजी डॉक्टर थे और उन्होंने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बनाया, जबकि मैं तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था। मेरी तो रुचि संगीत में थी, म्यूजिक में थी, मैं तो म्यूजिशियन बनना चाहता था। और मेरे पिता ने कहा, तुम म्यूजिशियन बनकर करोगे क्या? सड़क पर म्यूजिक गाकर तुम्हें क्या मिलेगा? और उन्होंने जबरदस्ती मुझे डॉक्टर बना दिया और पिछले 60 वर्ष से रोबोट की तरह काम कर रहा हूं। और आज इस पार्टी में इन लोगों को डांस करते हुए देख रहा हूं और गाते हुए देख रहा हूं, तो मुझे अपनी याद आ गई। सारा जीवन अंदर से अस्वस्थ रहा, बेचैन रहा, सोचता हूं कि कितना अच्छा होता मैं कोई गायक, कोई संगीतज्ञ बन गया होता। भल दुनिया मुझे न जानती परंतु मैं खुश होता। आज दुनिया मुझे जानती है, प्रसिद्धि मेरे पास है, परंतु मैं अशांत हूं। ऐसी बात वो कहता है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण बेचैन है, उदास है, अशांत है। ऊपर जो खुशी दिखाई दे रही है वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। ना कोई धन, ना कोई साधन और ना विज्ञान, तीन चीजों की चर्चा बाबा ने
अभी अभी जो रविवार को व्यक्तवाणी चली उसमें की, और उसमें एडिशन बहुत सारी है, ना तो कोई पद, ना तो कोई सत्ता, ना तो कोई पोजीशन, ना कोई संसार का वैभव, ना चमक दमक, ना कोई संबंध आत्मा को कभी भी तृप्त कर सकता है। आत्मा शांत ही रहती है। आत्मा की प्यास, आत्मा की इच्छा और आत्मा की आस, तीन शब्दों का बाबा ने प्रयोग किया है, तुम्हें पूरी करनी है। जो आस उनकी शांति की है, जो आस, जो प्यास और जो इच्छा उनकी शांति की है, वो तुम्हें पूरी करनी है, तुम्हें अंजलि देनी है। अशांत है संसार, धन साधन और विज्ञान तीनों से ही सुख मिलते हैं, पर इन सुख की तीन विशेषता बताई, अल्पकाल के हैं, झूठे हैं और विनाशी है। तुम्हारे पास जो शांति है वो सदाकाल की है, तुम्हारे पास जो शांति है वो अविनाशी है, तुम्हारे पास जो शांति है वो सदाकाल के लिए चलने वाली है। संसार तन मन धन से अशांत है, चारों ओर अशांति की आवाजें हैं, हर आत्मा भयभीत है, भय के वशीभूत है, और किस सिंहासन पर बैठी है, भय के सिंहासन पर बैठी है। जितना बड़ा नेता उतने अधिक अंगरक्षक, भय, चिंता, असुरक्षा, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, फियर। तो संसार का वायुमंडल अशांति का है, भय का है, चिंता का है, आत्माएं भटक रही है। सुबह की साकार मुरली में एक वाक्य आया, आत्मा समझती है पर अज्ञान छाया हुआ है। आत्मा समझती तो जरूर है कि वो सर्वव्यापी नहीं, वो यहां नहीं, परंतु अज्ञान छाया हुआ है चहुओर। तो ऐसे अशांत संसार में, ऐसे भयभीत संसार में बाबा ने किसको देखा? संडे को बहुत दिन हो गए, दो दिन हो गए, समय हो गया, तो बाबा ने किसको देखा, किसको देखा? उस दिन देखा था, आज तो कुछ और देखा इसलिए वो भूल गया। तो बाबा ने शांति के अवतार, शांत स्वरूप, शांति के भंडार, शांति देवा, शांति के दानी, शांति के महादानी, ऐसे शांत स्वरूप आत्माओं को देखा, और वो कौन है? हम हैं। और दो बातें बताई संसार की आत्माओं के लिए। संसार की आत्माओं को ये पता है आत्मा का स्वधर्म शांति है, परंतु प्राप्त नहीं कर सकते। शांति जन्म सिद्ध अधिकार है, पता है, परंतु बहुत मेहनत में लगे हुए हैं। तो संसार में अशांति व्याप्त है, चहुओं ओर अशांति, घर घर में अशांति, हर मन में अशांति। कोई कोना नहीं विश्व का जहां शांति है। एक तो बाबा ने हमें अपने स्वमान याद दिलाए, दूसरे स्वयं से स्वयं पूछने के लिए कुछ प्रश्न दिए। कौन से प्रश्न थे वो? अशांति की विदाई सेरेमनी की है, शांति तुम्हारा धर्म है और शांति तुम्हारा कर्म है। धर्म
धर्म और कर्म चेक करो कि अपने स्वधर्म में स्थित हो. हर कर्म जो कर रहे हो कैसा हो, सत्कर्म हो. सतो प्रधान बुद्धि, अविनाशी बाप, अविनाशी बच्चे, अविनाशी प्राप्ति, यथार्थ कर्म करने वाले. तो एक तो समान की याद दिलाई, दूसरा स्वयं स्वयं की चेकिंग, अशांति को विदाई दी है. जिन्होंने दी है वो हाथ खड़ा करो, ऐसे बाबा ने कहा. तीसरा काम दिया है, एक तो संसार की आत्माओं की अवस्था बताई और हमें काम दिया है. कौन सा काम? उनको शांति देने का. क्या करेंगे उनके लिए? बीज, पानी और फल. बीज कौन सा, पानी कौन सा और फल कौन सा? बीज कौन सा, बीज कौन सा, पानी कौन सा और फल कौन सा? बीज शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, निस्वार्थ भावना, कल्याण की भावना, ये बीज है. उसको स्मृति का जल दो तो फल कौन सा आएगा? विश्व में शांति. तो चाहे आत्माएं कितनी भी भटक रही है, कहां पर भी है, उनके प्रति रहम का भाव, उनके प्रति कल्याण का भाव, इसे भी वर्षा मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए. एक अव्यक्त वाणी थी शांति की शक्ति पर, 13/11/81. बहुत सारी बातें थी उसमें शांति की शक्ति पर. शांति की शक्ति क्रोध अग्नि को शांत करती है. शांति की शक्ति पुराने संस्कार को दग्ध करती है. शांति की शक्ति जहां हाहाकार है वहां जय जयकार करती है. शांति की शक्ति तीनों लोक की सैर कराती है. शांति की शक्ति महान आत्मा बनाती है. शांति की शक्ति पुराने संस्कारों को दग्ध करती है. शांति की शक्ति कम खर्च बाला नशीन करती है. कम शांति की शक्ति जहां रेत है वहां पर हरियाली लाती है. शांति की शक्ति जहां पत्थर है वहां से पानी. अब तक तुमने शब्दों के तीर चलाए, अब शांति का तीर चलाओ. हर सेवा केंद्र शांति कुंड बन जाए. साइलेंस की शक्ति, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ साइलेंस, इसका प्रयोग करो. अब शांति की शक्ति आत्माओं को भगवान से मिलाएगी. शांति की शक्ति भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने देगी. 11 बातें थी उस मुरली में. शांति की शक्ति क्या करती है? फिर से स्वयं को प्रश्न पूछना है कि क्या मैंने अशांति को विदाई दी है? और शांत होने की प्रक्रिया क्या है? शांत कैसे हुआ जाए? क्या किए करें कि जिससे आत्मा शांत हो जाए? महात्मा बुद्ध के जीवन कहानी में दिखाते हैं कि वो अपने शिष्यों के साथ कहीं से जा रहे हैं. बीच में एक छोटी सी नदी आती है और वो नदी पार कर आगे बढ़ते हैं. थोड़ा आगे जाने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि प्यास लगी है, पानी लेकर आना. वो जाता है तो देखता है कि वहां से अभी अभी एक बैलगाड़ी गई है और वो पानी पूरा गंदा है. वो वापस आकर कहता है कि पानी नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत गंदा है. आधे घंटे के बाद महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, अब जाकर देखो. वो फिर जाकर देखता है, अभी भी पानी गंदा है. आधे घंटे के बाद फिर कहते हैं, अब जाकर देखो, अब पानी स्वच्छ होता है. वो लेकर आता है. वो समझाते हैं, तुमने पानी को स्वच्छ करने के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया.
कुछ करने से ही तो गड़बड़ हुई है। आत्मा ने इतना कुछ किया उसी से गड़बड़ हुई है, उसी से अशांति हुई है। जो जो पुरुषार्थ किया वो सब का परिणाम ही अशांति है। इसके लिए शांति प्राप्त करने की विधि है, अब स्थिर होकर बैठ जाओ। अब बहुत जो बाहर भागे, अब बाहर भागना बंद करो और आत्मकेंद्रित स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, जहां शांति का स्रोत है, जहां शांति की अविरल सरिता बह रही है। शांति बाहर नहीं। संसार के लोग, बाबा ने कहा, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, परेशान है, धक्का खा रहे हैं, पर शांति मिल नहीं रही, क्योंकि जहां वो ढूंढ रहे हैं वहां शांति है ही नहीं। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति के पथ पर चलो। शिव पिता की तुम संतान, मन को शांत कर देना। अशांत वातावरण में शांति का अभ्यास, स्वस्वरूप में स्थित हो जाना। अभी अभी मुरली चली थी अव्यक्त वाणी शांतिवन, 2 तारीख को मुरली थी, 2/2/2007 की। 2 रूहानी ड्रिल कराई बाबा ने। 1 सेकंड में क्या करो, जहां चाहो वहां अपने मन को एकाग्र कर दो। दूसरी ड्रिल, जब जहां 1 सेकंड में क्या हो जाओ, स्थिर हो जाओ। कौन से संकल्प में? एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार। इस एक संकल्प में स्थिर हो जाओ। सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, अशरीरी हो जाना। 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना, स्थिर हो जाना। जहां मन लगाना चाहो वहां लग जाए। उसके लिए मन कितना डिटैच्ड चाहिए। आज का वरदान लास्ट लाइन क्या थी? अपने साथियों को के साथ भी जरा भी झुकाव ना हो, जरा भी झुकाव नहीं, कहीं पर भी झुकाव नहीं, कहीं पर भी लगाव नहीं। सबके साथ है, सबके बीच में है, सेवाएं कर रहे हैं, परंतु डिटैच्ड। इतना आंतरिक वैराग, इतनी डिटैचमेंट की, न्यारेपन की आंतरिक स्थिति। बाबा ने दादियों को अभ्यास दिया था कभी 1 मास के लिए, जिसको सबसे अधिक प्रेम करते हो और जिससे सबसे अधिक लगाव है, देखो वो मर चुका है और उसकी लाश जल रही है, क्या अभ्यास करना है? सब मरे पड़े हैं, लाशें नहीं तो रग जाएगी, याद आएगी। जगदीश भाई ने, एक भाई जी ने एक मुरली में माया के त्रिमूर्ति स्वरूप बताए हैं, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन। अट्रैक्शन अर्थात खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। डिस्ट्रैक्शन अर्थात ध्यान को बटाने वाला, डिस्ट्रैक्ट करता है। बार बार फोन बज रहा है, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन, पूरे सत्य को ही उलट पुलट कर दिया। ये माया के त्रिमूर्ति स्वरूप है जो चेतना को आंदोलित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अशांत करते हैं, बेचैन करते हैं। देखना है ऐसे कौन से आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींचते हैं, कौन से डिस्ट्रैक्शन है जो मैं जा रहा हूं मार्ग में, साइड सीन्स बीच में आ जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान को एकाग्र नहीं होने देते, फोकस नहीं होने देते, और डिस्टॉर्ट मैं किस किस चीज को करता हूं, स्वरूप ही बदल देता हूं, उल्टा कर देता हूं। श्रीमत क्या कह रही है और मैं समझ क्या रहा हूं? आज सुबह की साकार मुरली, कोई बिरले ही है जो पुरुषार्थ करते हैं, सब पुरुषार्थ नहीं करते, कोई विरले ही है जो पुरुषार्थ करते हैं। तो संसार में अशांति है और हम शांति के भंडार, शांति के अवतार, शांति कुंड, शांत स्वरूप
शांति के सागर की संतान मास्टर शांति दाता शांति के दानी शांति के वरदानी शांति के फरिश्ते हमें संसार को शांति का दान देना है और दान वो देख पाएंगे जिनका अपना मन शांत हो गया है मन की हलचल मन में संकल्पों का उहापोह स्थिर हुआ है उस नदी की धारा को छोड़ दो वो स्वतः ही शांत हो जाएगा जितना उसमें कूदते रहेंगे उछल कूद करते रहेंगे वो और गंदा और गंदला होगा इसके लिए स्वयं को शांत करना बहुत बड़ा काम है दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो बाबा ने कही और जिस पे हम आज चर्चा करेंगे संसार की आत्माएं क्या है भयभीत कहां पर बैठी है भय के सिंहासन पर बैठी है क्या मैं भी बैठा हूं स्वयं स्वयं से प्रश्न पूछना है क्या ब्राह्मण आत्मा भी भयभीत है और सबसे बड़ा भय कौन सा है और कौन कौन से भय है जो एक ब्राह्मण आत्मा को भी छोड़ते नहीं संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु भय को कहा जाता है क्योंकि आत्मा को सबसे अधिक प्यारी वस्तु कौन सी है शरीर बीमारी का भय मृत्यु का भय भय के कुछ कारण है एक कारण तो है राग अटैचमेंट आकर्षण आसक्ति जितनी गहरी आसक्ति उतना ज्यादा भय वो व्यक्ति कहीं छूट ना जाए वो व्यक्ति कहीं दूर ना चले जाए उस व्यक्ति को कहीं कुछ हो ना जाए वो यदि बीमार हो गया तो भयभीत जहां मैं है और मेरा है वहां बहुत भय है तो एक कारण तो राग है आसक्ति है पद कहीं खो ना जाए बाबा ने कहा वो नेता लोग कुर्सी छूटने का भय है उन्हें उतने अधिक अंग रक्षक है जेड जेड प्लस सिक्योरिटी पर भय जाता नहीं भय मिटता नहीं हमेशा डर है खौफ है तो एक तो आसक्ति दूसरा होता है हीन भावना जितनी अधिक हीन भावना उतना अधिक भय इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तीसरा है अज्ञान जिस चीज की हमें जानकारी नहीं होती है उससे भयभीत होते हैं जो चीज का हमें पता नहीं होता है उससे हम बहुत डरते हैं जब पता चल गया तब डर समाप्त हो जाता है और बहुत सारे भय हमारे काल्पनिक है मेडिकल साइंस में एक शब्द आता है फोबिया एक है भय एक है फोबिया फोबिया अर्थात अननेचुरल अप्राकृतिक अकुदरती गैर कुदरती भय जो सबको नहीं होते किसी किसी को होता है किसी को पानी का भय किसी को कॉकरोच का भय किसी को भीड़ का भय किसी को अंधकार का भय किसी को पब्लिक का भय अननेचुरल से है बहुत सारे उसमें से आवाज का भय खून का भय खून देखे तो चक्कर आके नीचे बहुत बड़ी लिस्ट है भय की क्या ब्राह्मण आत्मा के हृदय में भी कोई भय है अगर आसक्ति है तो भय होगा अगर लगाव है किसी व्यक्ति से तो भय होगा यदि लगाव है किसी पद से किसी पोस्ट से तो भय होगा यदि इम्प्योरिटी है तो भय होगा सुबह की मुरली ये रूहानी योग है तुम
पवित्रता के सागर से योग लगाते हो प्योर बनने के लिए। इस संसार में ऐसा कोई योग नहीं जो प्योर बनाए, जिसका लक्ष्य प्यूरिटी हो। एकमात्र राजयोग ही ऐसा है जिसका लक्ष्य प्यूरिटी है। तो जहां इम्प्यूरिटी है वहां भय है, जहां चरित्र में दाग है वहां भय है, जहां ब्रह्मचर्य बार बार खंडित हो रहा है वहां भय है। बाबा ने कहा स्वप्न में भी तुम शांतमय हो, संकल्प भी और स्वप्न भी शांत, स्वप्न में भी भयभीत नहीं। सारे दिन भर कैसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जिसमें स्वप्न में भी भय ना हो, स्वप्न में भी अशांति ना हो। वो उदाहरण हम हमेशा देते हैं कि एक महिला है, उसको रोज रात में एक ही स्वप्न दिखता है कि एक काली छाया, एक राक्षस घटाटोप अंधकार जंगल रात की तारीकी, और उसका पीछा कर रहा है और वो भाग रही है और भाग रही है और भाग रही है, पीछे से वो खाली काली छाया उसका पीछा कर रही है, और एकदम से आंख खुलती है। आंख खुलते ही धड़ 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 धड़, और फिर उदासी। रोज एक ही स्वप्न और एक ही धड़कन वाला वो जागरण, और दुख और भय और खौफ। एक दिन ये स्वप्न थोड़ा सा और आगे चला जाता है, हमेशा तो बीच में ही टूट जाता है, पर एक दिन थोड़ा और आगे जाता है कि वो भाग रही है और एकदम से खाई आ गई, वो नीचे गिर गई पीठ के बल, और वो छाया उसके ऊपर आ गई राक्षस। भयभीत होकर वो पूछती है तुम कौन हो, वो महिला पूछती है, वो छाया कहती है मुझे क्या पता, तुम्हारा स्वप्न है तुम जानो, मुझे क्या पता मैं कौन स्वप्न तुम्हारा है, तुमको पता रहना चाहिए। काल्पनिक भय। और कुछ भयों का कारण बचपन की कुछ स्मृतियां, बचपन की कुछ चीजें, कुछ भय का कारण पूर्व जन्म के कुछ संस्कार। किसी की मृत्यु पानी में डूब के हुई तो बचपन से ही पानी का डर। नेपोलियन 6 मास का था, पालने में सबसे बड़ा सम्राट विश्व का, फ्रांस का, जिसने कभी हार स्वीकार नहीं की। इम्पॉसिबल इज अ वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में है कहने वाला वो। 6 मास का था, वो दाई कहीं और चली गई उसको देखभाल करने वाली, और एक बिल्ली आ गई ने आक्रमण कर दिया, उसे कुछ नहीं हुआ, वो बच गया। पर एक कमजोरी हमेशा रही उसकी कि उसको बिल्लियों से बहुत डर लगता था, किसी से नहीं डरता था, शेर से नहीं डरता था, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता था, सबको हरा दिया। परंतु अंततः बैटल ऑफ वाटरलू में उसकी हार हुई, क्योंकि उसका जो दुश्मन शत्रु था उसको पता चल गई ये कमजोरी। उसने 20 बिल्लियां लेके आया युद्ध के मैदान में, और नेपोलियन ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और एकदम 20 बिल्लियां फेंक दी उसके ऊपर सब तरफ से। बेचारा अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, बंदी हो गया, पकड़ा गया, और लास्ट में उसकी मृत्यु बंदी गृह में हुई। भय, भय का बीज कहां है? मुझे किससे भय? कुछ खोने से, बदनामी से। और भय का सबसे बड़ा कारण है देह भान। जितना अधिक देह का भान उतना अधिक भय, जितनी अधिक इंप्यूरिटी उतना अधिक भय, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक भय, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उतना अधिक भय। बाबा ने कहा भय के सिंहासन पर बैठे। जितनी ज्यादा उच्चाकांक्षा, संसार की एम्बिशंस, उतना अधिक भय। अ रिलीजियस माइंड इज अ नॉन एम्बिशियस माइंड, उसे संसार की कुछ चीजें नहीं चाहिए, संसार का धन, संसार का वैभव, संसार की संपत्ति, संसार का पद, संसार की पोजीशन। सर्व वस्तु भयान्वितः,
इस संसार में हर वस्तु में भय समाया हुआ है, एक ही वैराग ऐसा है जिसमें भय नहीं। तो बाबा ने कहा, भय के सिंहासन पर है, भय के वशीभूत है, उठते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, परंतु भय में। घर घर में भय ने घर कर रखा है। तो एक तो शांति और दूसरा भय, ये दो चीजें हमें संसार को देनी है, शांति का दान और अभय दान। आत्माओं को भयों से मुक्त करना है। तो भय से मुक्त होने की विधि क्या है? भय से कैसे मुक्त हो, उससे पहले हम और एक चीज चर्चा करेंगे, शांति की शक्ति से क्या फायदे हैं? इस मुरली के आधार सर, वो 81 वाली मुरली नहीं, इस मुरली से क्या होगा? बिना खर्चे कहां जाओगे? पार। इस मांडवे की जो बत्तियां है, सुबह की मुरली, सूरज चांद उससे पार, दूर ते दूर मुरली सुबह की, उससे पार, बिना खर्चे के, प्रकृति जीत, माया जीत। और ये शांति की शक्ति जब एक दूसरी शक्ति के साथ मिल जाएगी, कौन सी शक्ति? एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक शक्ति के साथ मिल जाएगी तो नई दुनिया प्रकट होगी, शांतिमय दुनिया अवतरित होगी इस धरा पर। ये दो शक्तियां एकत्र हो जाए। बाबा ने एक वैज्ञानिक से भी बात की, कौन सा वैज्ञानिक था वो? कौन सा वैज्ञानिक था? ब्रायन जोसेफसन। 23 वर्ष की उम्र में उसको नोबेल प्राइज मिला, 23 वर्ष, इतना इंटेलिजेंट, जबकि वो पीएचडी स्टूडेंट था। सुपर कंडक्टिविटी और क्वांटम टनेलिंग दो सिद्धांत है फिजिक्स के, भौतिकी के, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं आज के युग में। जोसेफसन इफेक्ट नाम का एक सिद्धांत है, जिस इफेक्ट के कारण उसकी खोज के लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया। इतना बुद्धिमान, इतना इंटेलेक्चुअल व्यक्ति आज भी है, वेल्स का, यूके। भगवान के सामने, और भगवान उसे क्या कह रहे? रिसर्च करो। कौन सी रिसर्च करो? शांति की शक्ति और साइंस की शक्ति, साइंस और साइलेंस क्या है, उससे क्या हो सकता है, इस पर रिसर्च करो। उसने जो फिजिक्स के सिद्धांत दिए, इतने ऊंचे सिद्धांत है, ढेर सारी किताबें, और हर फिजिक्स के विद्यार्थी को जोसेफसन इफेक्ट स्टडी करना ही करना होता है, उसके नाम से ही वो इफेक्ट है। और उसे बहुत विरोध का भी सामना सहन करना पड़ा, जब उसका ध्यान पैरासाइकोलॉजी, जिसको परामनोविज्ञान करते, जिसको साइंस स्वीकार नहीं करता, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसका विरोध किया था 70 के दशक में, जब उसने मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस किया और मेडिटेशन में उसकी रुचि बढ़ गई, क्योंकि इतना बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी साइंस में रुचि है, मेडिटेशन की तरफ कहां जा रहा है? उसको विरोध का भी सामना करना पड़ा था। तो बाबा ने उससे क्या कहा? रिसर्च करो, साइंस और साइलेंस दोनों से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बिना साइलेंस के साइंस की दिशा व्यर्थ है, विनाश करेगी। यथार्थ दिशा साइलेंस देगी साइंस को। तो साइंस की शक्ति, साइलेंस की शक्ति जब आत्मिक शक्ति, एटॉमिक शक्ति के साथ मिलेगी, तो वो शांतिमय दुनिया आएगी। अब दूसरा प्रश्न है, भय से मुक्त कैसे हो, क्या किया जाए? भय से मुक्ति के क्या क्या मार्ग है? हर मन में कहीं ना कहीं भय है, और कुछ कुछ भय ऐसे हैं हमारे जो कि अज्ञात है, अननोन फियर्स, भविष्य के भय, पास्ट की चिंताएं, कुछ पाप किए हैं, कुछ विकर्म किए हैं, सुबह की मुरली पश्चाताप करना पड़ेगा, कहीं वो उजागर ना हो जाए,
कहीं सबको पता ना चल जाए, उसका भय। भय की यदि लिस्ट बनाई जाए तो बहुत बड़ी बन सकती है। हर एक को अपने भय के ऊपर काम करना है, क्योंकि कुछ कुछ भय हमें भी पता नहीं, इतने अज्ञात है, अवचेतन मन में छिपे हुए हैं। वो तो परिस्थिति आती है तब पता चलता है, अब तक पता नहीं था, अचानक कॉकरोच आ गया तब पता चला उस दिन की कॉकरोच से भी मैं डरता डरती हूं। अब तक तो हम सोच रहे थे समान था, मैं निर्भय आत्मा हूं। तो भय से मुक्ति के कुछ मार्ग है। सबसे पहला मार्ग, भय को स्वीकार करना और समझना, अपने भय को स्वीकार करना। 10 बातें बताएंगे हम आपको भय से मुक्ति के। एक तो आइडेंटिफाई करो कौन सी बात का मुझे डर लगता है, उसे स्वीकार करो, हां मैं इससे भयभीत हूं, और उसे समझने की कोशिश करो, इसका जन्म कब हुआ, इसका जन्मदाता कौन है, कहां से आया ये, क्या बचपन की कोई बात या युवाकाल की कोई बात, कहां से इस भय ने जन्म लिया, कोई अज्ञान, कोई आसक्ति, कोई मोह, कोई अनुरक्ति, क्या है कारण भय का। तो सबसे पहले तो स्वीकार करो, हां ये नहीं कह दो कि हम तो निर्भय आत्मा है, मैं तो बहुत बड़ा, मेरा सम्मान है, कहीं ना कहीं छिपा भय, यदि है तो ढूंढो उसको। पहली बात तो ये आइडेंटिफाइड। दूसरा है उसका सामना करो, आंखों में आंखें डालकर देखो उसको, तो वो भाग जाएगा। वो भूत क्या कहता है, स्वप्न तुम्हारा है, मुझे क्या पता। अब तक तो वो भाग रही थी पीछे मुड़ मुड़ के, देखा ही नहीं कभी, बस था कि पीछे कोई लगा हुआ है, और जो लगा हुआ था पेपर टाइगर था, उसमें कोई दम नहीं था, कोई शक्ति नहीं थी, ऐसे ही उससे भयभीत होकर भाग रहे थे। तो अपने भयों का सामना करना, जिससे भय लगता है वही चीज करना। बोलने से भय लगता है तो बोलो, स्टेज फ्राइट, माइक से डर लगता है तो माइक के सामने जाओ। जिस चीज से भय लगता है उस भय से मुक्ति के लिए जबरदस्ती वो चीज करनी है, देखना है क्या होता है, परिणाम विकास होगा, परिणाम ग्रोथ, द रिजल्ट विल बी ग्रोथ। जो चैलेंजेस आज तक स्वीकार नहीं किया, हमेशा कहते रहे नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, करके देखना क्या होता है। नहीं 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 ये तो काम हमसे बिल्कुल नहीं होगा, हमने आज तक कभी की नहीं, हमने आज तक कभी टाइपिंग किया नहीं, हमको मत बताओ, हमने ये भाषा कभी सीखी नहीं, हमको ये भाषा बोलनी नहीं आती है, कोशिश करो शायद सीख जाओ। नहीं नहीं हमने ये सेवा आज तक कभी की नहीं, हमको ये सेवा करनी नहीं आती है, नहीं आती है तो सीखो। भय उसका भी, नई बातें सीखने का भय, नई सेवाएं चालू करने का भय, जो पहले सीखी है वही ठीक है, इतने साल तो चलाया इसी के साथ आगे चल जाएंगे, नया क्यों सीखे। नई कलाएं, नई भाषाएं, नई स्किल्स, नई सेवाएं सीखने का प्रयत्न करना है। तो फेस इट, स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाया है, कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए और वो भाग रहे हैं, विदेश जाने से पहले भाग रहे भाग रहे भाग रहे, वो बंदर उनके पीछे। एक सन्यासी खड़ा देखता है कि इतना युवक और वो भी योगी और भाग रहा है भयभीत, उनको कहते हैं रुक जाओ वहीं पे, फेस द ब्रूट्स, उनका सामना करो, उनके तरफ आंखों में आंखें डालकर देखो। वो खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंखें डालकर देखते, भाग जाते हैं वो सब। हम कोई किसी से डरने वाले नहीं है, भूतों को भगाने वाले हम कौन है, मास्टर भूतनाथ,
भूत हमसे डरे, हम मां भूत है, भूतों को लगे ये कौन आ गए, महाभूत, भूतों के महामंडलेश्वर। तो दूसरी विधि है फेस इट, सामना करो उनका, डट के सामना करो, उनमें इतना साहस पौरुष सामर्थ्य नहीं कि हमारे सामने ठहर सके। भय से मुक्ति की तीसरी विधि है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं निर्भय आत्मा हूं, निर्भीक हूं, फियरलेस इंटरप्रिट। स्वयं में आत्मविश्वास जगाना है। जब ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं, बाबा के पैर में एक बार सांप आ गया तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे को दूध पिलाओ। तो तीसरा आत्मविश्वास, चौथा स्वमान का अभ्यास। अगर किसी चीज से सूक्ष्म भय है, उसी तरह का स्वमान निर्माण करना है, उसी से संबंधित समान कि यह चीज मेरे लिए बहुत सहज है, मैं इसे नहीं डरता। समान को तीन भागों में विभाजित करना है, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। प्रेजेंट अर्थात इससे मैं नहीं डरता, फ्यूचर अर्थात इससे मैं कभी नहीं डरूंगा, नेचुरल अर्थात इससे डरना, इससे डर तो मेरे लिए है ही नहीं, सहज है मेरे लिए निर्भय होना। वर्तमान, भविष्य और प्राकृतिक, ये तीन रूपों में समान को विभाजित करना है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, वो डी एडिक्शन में ये तीन प्रिंसिपल बताते हैं, एक तो स्मोकिंग मैंने छोड़ दी, दूसरा स्मोकिंग मैं जल्दी छोड़ दूंगा, और स्मोकिंग छोड़ना मेरे लिए तो बहुत ही आसान काम है। अगर कोई कठोर संस्कार है जो नहीं छूट रहा है, जैसे कि रोना, रोना मैंने आज से बंद कर दिया, रोना मेरा बंद हो रहा है, रोना छोड़ना तो बहुत ही आसान काम है, रोना कायरो का काम है, रोना कायरो की ढाल है, वीरों का आभूषण नहीं। तो तीन भागों में समान को विभाजित, वर्तमान, भविष्य और सहज। मेरे लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज काम है, ये हुआ ही पड़ा है, भगवान साथ है। तो विधि है सुमान। उसके बाद में भय को जीतने की विधि है परमात्म छत्र छाया, समर्पण। समर्पण कर दो। आज उदाहरण दिया सुबह की मुरली में जनक, एक सेकंड में सरेंडर। समर्पण, परमात्म समर्पण भयों से मुक्त कराएगा, कितने भी बड़े बड़े भय हो मुक्त कराएगा। इतनी पावर, इतनी शक्ति है उसमें कि भय से मुक्त करेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि जंगल के रास्ते से स्कूल में जाता है रोज, तो उसको बहुत भय लगता है, तो उसकी मां उसको समझाती है कि वहां ना तुम्हारा बड़ा भाई रहता है, जंगल में तुम्हारा बड़ा भाई है, अगर तुमको डर लगे ना तुम उसको बुला लेना। कृष्ण भैया ऐसा उसको नाम देती है वो, मना उनके इसमें भगवान कृष्ण। तो वो जाना चालू करता है, उसको डर लगता है और वो चिल्लाने लगता है कृष्ण भैया कृष्ण भैया। तो दिखाया है भक्ति मार्ग की कहानी है कि भगवान कृष्ण खुद ही बनकर आते और उसको छोड़ देते और रोज छोड़ना चालू करते, ऐसे सब दिखाया है उसने। तो आवाज देता है जोर जोर से तो वहां जाता है, क्योंकि बच्चे की जो आवाज होती है सच्ची होती है। मिलावट तो बाद में आता है, बड़ा होने के बाद। तो परमात्मा छत्र छाया, यदि संकट आ जाए, भय का वातावरण हो जाए, तो क्या कर देना, उसी समय तन मन धन धन सब कुछ तेरा,
समर्पण. कल का वरदान क्या कथा, तेरा तेरा करो तो तैर जाएंगे. तेरा तेरा करो तो क्या हो जाएंगे, तैर जाएंगे. तो परमात्मा छत्र छाया. उसके बाद में नेक्स्ट विधि है विजुअलाइजेशन, मानस चित्र बनाना. जैसे किसी को भाषण देने से भय लगता है तो देखे कि वो बोल रहा है, किसी को साइकिल चलाने से भय लगता है तो रोज देखे कि मैं साइकिल चला रहा हूं, किसी को और किसी चीज से तैरने से भय लगता है तो देखे, विजुअलाइज करे कि मैं तैर रहा हूं, यहां तक कि मैं दूसरा डूब रहा है उसको भी बचा रहा हूं आगे की स्टेज, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. तो विजुअलाइज करना, देखना, जिस चीज से भय है उसी को देखना, विजुअलाइज करना. नेक्स्ट विधि है भय से मुक्ति की, प्रतिपक्ष भावना. ये विधि शास्त्रों में दी हुई है. अपोजिट विचार क्रिएट करना. जैसे विचार है मैं, मुझे डर लग रहा है, अंधेरा है, इधर से भालू उधर से भालू, पता नहीं जो जो काली वस्तु है भालू जैसी दिख रही है. अपोजिट विचार, साहस के विचार लाना, करेज के विचार. जिस चीज का भय है उसके अपोजिट विचार. जैसे साइकोलॉजी में कहा जाता है क्रोध आ रहा है, आंखें बंद करो एक हंसता हुआ बच्चा देखो, क्रोध कम हो जाएगा. क्रोध बहुत आ रहा है एक खिला हुआ फूल देखो, क्रोध थोड़ा कम हो जाएगा. अपोजिट विचार क्रिएट करना. भय के विचार आ रहे हैं, अपोजिट विचार मैं निर्भय हूं, अपोजिट विचार मुझे कोई डर नहीं है, अपोजिट विचार कि ये चीज से मुझे कुछ नहीं होने वाला. इसको कहते प्रतिपक्ष भावना. नेक्स्ट विधि है इच्छा मात्रम अविद्या. जितनी ज्यादा इच्छा है उतने अधिक भय. अगली विधि है वैराग, राग का अभाव. क्योंकि भय का एक कारण है राग. जिन जिन में राग है, जिन जिन में आसक्ति है, भय उसी से है कि यह छूट ना जाए, ये मेरे से दूर ना हो जाए. पद, पोजीशन, कुर्सी, व्यक्ति, संबंध, स्थान, सत्ता, पोस्ट, ये मेरे से छूट गया तो मेरा क्या होगा. सूक्ष्म वैराग का अभ्यास अंदर ही अंदर भयों से मुक्ति दिलाएगा. तो वैराग का अभ्यास. नेक्स्ट विधि है वीर आत्माएं जो है, साहसी कारनामे जिन्होंने किए हैं उनकी जीवन कहानी पढ़ना. लोगों ने भयों को कैसे जीता उसके विषय में जानना. तो ये कुछ बातें हैं भय के विषय में. देखना है कहां सूक्ष्म में भय तो नहीं, कोई बीमारी तो ना हो जाए. कैंसर हो गया तो बीमारी का भी बहुत बड़ा भय है. परसों हमारी ओपीडी में एक लड़का आया था, अबू यहीं रहने वाला, उसकी मां लेके आई. वो कहने लगी रात भर इसने सोने नहीं दिया, ये कहता है मुझको कैंसर हो गया, अब इसको कैसे समझाऊं. रात भर इसने हैरान किया, पूरा तंग किया, इतना तंग किया सोने नहीं दिया, अब इसको समझाओ, ये कहता है मुझे कैंसर हो गया है. उसको कोई एक छोटा सा दाग हो गया, पूरा इंटरनेट ढूंढ के रखा उसने, और इंटरनेट से उसे पता चला ये जो काले दाग है कैंसर में होते हैं, और वो सोच रहा है कि अभी बस मेरा जीवन समाप्त हो रहा है. ये भी भय है. उसके सारे टेस्ट कराए, दिखाए तो कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल, अभी थोड़ा ठीक है, पर चिंता बहुत है, भय छोटी आयु में. तो भय से मुक्ति, तो एक तो दो चीजें बताई, शांति और निर्भयता. स्वयं में शांति भरनी है, उसके लिए योग का अभ्यास बढ़ाना है. शांति के सागर से जब तक योग नहीं तब तक आत्मा शांत नहीं हो सकती. संसार की कोई भी किताब, संसार की कोई भी बातें आत्मा को शांत कभी नहीं कर सकती. डायरेक्ट कनेक्शन उस शांति के सागर के साथ हो तो ही आत्मा शांत हो सकती है. और एक चीज
जो यूके ग्रुप से बाबा ने कहा बाप ऑफर करते हैं एक चीज कौन सी सात। तो जब शांति का सागर साथ होगा तो हम शांत स्वरूप होंगे और जब शांति का सागर साथ होगा तो हम निर्भय होंगे, भय के सिंहासन पर नहीं बैठे रहेंगे। संगम युग है भगवान के दिल तख्त पर बैठने का, परंतु भगवान के दिल तख्त पर वो बैठेगा जिसने अपने दिल तख्त पर भगवान को बिठाया है। तो शांति का अभ्यास, निर्भयता का अभ्यास और तीसरी बात साथ का अभ्यास निरंतर होता रहे, ये अभ्यास हमको करना है। और जो भी भय की पॉइंट्स बताई उस पर सूक्ष्म रीति से काम करना है, अपने भयों को जीतना है, एक एक कर कर, एक एक कर कर, ये भय ये भय ये भय। निर्भय हो जाए चेतना, संपूर्ण निर्भय। और लास्ट बात उस जोसेफसन जो साइंस के बारे में कही कि साइलेंस और साइंस, जो साइंस के विद्यार्थी है वो साइंस पढ़ते पढ़ते उसमें साइलेंस को ढूंढे। कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की एग्जाम दे रहे हैं, उसमें बाबा का ज्ञान को कैसे यूज करे या कैसे ये ज्ञान और लौकिक पढ़ाई का बैलेंस करे। उत्तर है साइंस में साइलेंस को अप्लाई करना, साइंस में साइलेंस को देखना, साइंस की स्टडी करते करते मन को साइलेंट रखना और साइंस का उपयोग साइलेंस के लिए करना, नई दुनिया के लिए करना। तो ये संडे की मुरली से कुछ बातें थी। ऐसे कैसे शांति के अवतार आत्माओं को, ऐसे शांत स्वरूप आत्माओं को, ऐसे शांति के भंडार आत्माओं को, ऐसे शांति के दाता आत्माओं को, ऐसे शांति कुंड आत्माओं को, ऐसे 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 शांति दूत आत्माओं को, ऐसे शांति के मैसेंजर आत्माओं को, ऐसे बाबा ने एक जगह ये भी कहा ज्ञान सूर्य बन शांति की किरणें फैलाओ, ऐसे शांति देवा आत्माओं को। आरती जो हो रही है किसकी आरती हो रही है, तुम्हारी आरती हो रही है। तो ऐसी शांति देवा बन विश्व की आत्माओं में शांति फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ भावना से, रहम की भावना से, कल्याण की भावना से, निस्वार्थ भावना से आत्माओं को शांति प्रदान करने वाली आत्माओं को, ऐसे अपनी सतो प्रधान स्थिति द्वारा सत कर्म करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप के साथ विशेष सहयोग देने वाली विशेष पाठधारी आत्माओं को, और आज की मुरली से सुबह की ऐसी कौन सा बैलेंस रखने वाली आत्माओं को, निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस रखने वाली बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे ब्राह्मण अमूल्य जन्म है ऐसी आत्माओं को, ऐसे इस ब्राह्मण जन्म के विचित्रता और विशिष्टता का महत्व जानने वाली आत्माओं को, ऐसे साक्षी रहने वाली आत्माओं को, ऐसे किसी में भी झुकाव न रखने वाली आत्माओं को, ऐसी घोंसले में रहने वाली आत्माओं को। किस घोंसले में? बाबा ने घोंसला बनाया, इतना सुंदर वाक्य है मुरली में, बाप ने तुम बच्चों के लिए तुम्हारे ही द्वारा घोंसला बनाया है, बाप ने तुम बच्चों के लिए तुम्हारे ही द्वारा घोंसला बनाया है, हमारे द्वारा हमारे लिए ही बना हुआ ये आबूदाना ये घोंसला है। तो ऐसे घोंसले में बनाने घोंसला बनाने वाली और घोंसले में जाने वाली रूहानी चिड़ियाओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।